क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 2015 में चार नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है और इतना शानदार क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में क्या क्या रहा है और करेंगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं हमसे पूछ क्या क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है अ बैग कंटेन 15 व्हाइट ब्लैक एंड रेड बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, यहां पे ऐसे बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए 3/10। ठीक है, और इसी तरीके से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, यहां पे ऐसे बना लो। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ये हमारा एक काम हो गया। ठीक है, ये एक चीज पूछ रहा है। उसके आगे पढ़ो क्या पूछ रहा है, इफ द बैग कंटेन 20 बॉल, तो बैग में कितने हैं 20 बॉल, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब दो चीजें पूछ रहा है। दो चीजें कौन कौन सी, कि एक तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं। ठीक है, सिंपल सा करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें पता है सॉल्यूशन में, ठीक है ध्यान से समझना, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल्स तीनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कितना होता है आंसर, हमें पता है 1 आता है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें पता है भाई व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दे रखी है देखो 3/10 प्लस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 2/5 प्लस हमसे क्या पूछ रहा है, देखो यही पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये रही रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम लिख लेते हैं पी ऑफ रेड बॉल मतलब रेड, तो इन तीनों को मिला के कितना जाएगा 1। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से इन दोनों को सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो कितना आएगा 3/5 प्लस 2/10 अपॉन में कितना आएगा 10/5, ऐसे करना, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी, प्लस पी ऑफ रेड बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इसको सोल्व करो तो कितना जाएगा, ये 15 + 20 / 50 प्लस पी रेड, तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35/50 प्लस पी रेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हमें तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो पी ऑफ रेड यहीं रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मतलब यहीं रखा मैंने, इक्वल टू 1 माइनस इस पूरे को हटा के, क्योंकि मुझे ये निकालना है ना, तो इस पूरे को हटा के उधर ले गया, तो मैं इधर से कितना आ जाएगा 35/50। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, देखो कैसे, ये 7 से जाएगा, 5 7 जा 5 10 जा, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा भाई, तो अब इसको साथ के साथ एलसीएम भी ले लो, तो ये 1 - 7/10, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा 1 × 10 - 7 × 1/1 × 10, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 10 - 7/10, मतलब कितना आ जाएगा ये 3/10, मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/10। एक पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमसे आगे पूछ रहा है कि भाई आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए इतने अच्छे से आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे इस तरह के क्वेश्चनों को छोड़ते ही छोड़ते हैं, क्यों छोड़ देते हैं वो जानते हैं, क्योंकि उनसे होता नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ये मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, है ना, बस हमें याद क्या रखना है कि 3/10 आई थी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मिट गया हमारा, अब सेकेंड पार्ट करते हैं जल्दी से, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, सेकेंड पार्ट ये कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होती है, तो हमें पता है जी भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है, टोटल केस, क्लियर है यहाँ तक, मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब हमें प्रोबेबिलिटी कितनी, तीनों गेन थी,
आई बात समझ में? क्या कह रहा है ध्यान से समझो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा एक बारी में, फिर से पढ़ लेते हैं। अ बैग कंटेन 15 ब्लैक बोल टोटल नंबर ऑफ, अब देखो ध्यान करेंगे कैसे, टोटल बोल कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। हमें ये पता चल गया कि भाई वो 3/10 है और वो 2/5 है। अ बैग कंटेन फ्रॉम द बैग इज 3/10 इतना और 2/5 और ठीक है। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ बोल पूछ रहा है, कैसे करेंगे ध्यान से देखोगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता है पूरे केस की नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एक गेंद उठा लेते हैं, कौन सी, ब्लैक वाली उठा लेते हैं, ठीक है। ब्लैक वाली क्यों, अब देखो मैं उसको उसका रीजन बता रहा हूँ कि ब्लैक वाली मैंने गेंद क्यों उठाई, उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो फिर से कि ब्लैक वाली गेंद उठाने का क्या मतलब है। ब्लैक वाली गेंद मैंने इसलिए उठाई, ब्लैक वाली इसलिए उठाई क्योंकि हमें ब्लैक बॉल के बारे में बताया कि ब्लैक बॉल कितनी है भाई कि 20 है। आई बात समझ में? तो हम ब्लैक बॉल का ही केस पकड़ते हैं। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल, 2/5, ठीक है 2/5। ध्यान से समझना। अब फेवरेबल केस कितने हैं पता नहीं भाई, तो मतलब फेवरेबल केस की ऐसे लिख लो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स पता है मुझे, नहीं पता है टोटल बॉल्स, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लैक की पता है कि ब्लैक कितने हैं भाई, ब्लैक 20 है। तो इस किसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ, देखो 2/5 इंटू टोटल बॉल, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अब मुझे तो टोटल निकालना था, तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू, टोटल बॉल्स इक्वल टू, ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, मतलब 5/2 इंटू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, क्योंकि हमसे तो टोटल पूछ रहा था इसलिए मैंने ब्लैक लिया, क्योंकि मुझे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी भी पता थी और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल भी पता थे, और फार्मूले में क्या होता है टोटल बॉल। तो किसी तरीके से यहाँ से मैं टोटल निकाल लूँ, मेरा काम हो गया, बस इसको सोल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो टोटल बॉल्स इक्वल टू, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू कितना आया, 5/2 इंटू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 20, तो इसको सोल्व कर लो देखो, तो ये कितना आ जाएगा 50 बॉल्स, मतलब जो टोटल गेंद है वो कितनी आएगी 50। बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देंगे या घबरा के करेंगे ही नहीं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, और बिल जितनी बातें बताई मैंने उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना ताकि एग्जाम के समय आपको याद रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।